हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को रहनुमा इंसानियत ट्रस्ट ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी डॉक्टर तंजीम ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हरिद्वार जिले के भावनापुर में रहनुमा इंसानियत ट्रस्ट ने स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 82 मेधावी छात्र छात्राएं शामिल हुए। मेधावी छात्र छात्राओं में सभी बच्चे 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल्ला नफीस ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी डॉक्टर तंजीम ने बच्चों और उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि आज मुस्लिमों में इतनी जागरूकता पैदा हो गई है कि अपनी लड़कियों को वो पढ़ा रहे हैं, और इस पर सबसे अच्छी बात यह है कि उनके इस विश्वास पर बेटियां खरी उतर रही हैं, जिनकी मेहनत और मशक्कत आज रंग ला रही है और पढ़ाई में बेटियां बाजी मार रही हैं। इसी बीच काफी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इसमें लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम है जो उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। आपके आने से पहले यहाँ माइक पे बताया भी था बहन ने हमारी कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कन्या गौराधन योजना, इस तरह की स्कीम्स हैं, और ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं कि जो बच्चे अपने हाई स्कूल में इंटर में अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया। इस दौरान रहनुमाए इंसानियत ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला नफीज ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से पढ़ रहे बच्चों की हौसले अफजाई होंगे और हमारी कौम के बच्चे तरक्की करेंगे। और जो हमारे बेसहारा बेवाएं हैं और इसी तरीके से गरीब मजलूम बच्चे हैं जिनके घरों का बहुत सारे उनके घरों के अंदर इंतजाम नहीं है, रमज़ान मुबारक में भी हमने उन हजरात के घरों के अंदर किटें तकसीम पहुँच की हैं और उन गरीबों की हमने मदद की है। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए वो जो करा है, और इनसे हमारी बच्चियां बहुत खुश होंगी और इससे हौसला अफजाई होगा और हमें इससे बहुत बहुत वो मिलेगा। इसलिए मैं इसे चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को करा जाओ, और जो यहाँ रुड़की भगवानपुर तहसील के लोग हैं वो इस भगवानपुर तहसील के लोग भी इसके साथ ज्यादातर मिलजुल के अंदर रहें और इनका सहयोग करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।